मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में खूब गरमाया था और अखिलेश यादव ने चुनाव के पहले ऐलान किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। इस ऐलान के बाद यह मुद्दा पूरे देश में जोर पकड़ने लगा और तमाम सरकारों ने इसकी बहाली को लेकर के ऐलान किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हार मिली, लेकिन देखा जाए तो कर्मचारियों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ खूब रहा और इस असर को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाल को लेकर के ऐलान किया था और उसको लागू भी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान किया गया और उसको लागू कर दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर के वो गंभीर हैं। इस बीच अटेवा के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जा रहे हैं झारखंड में, जहाँ पर चुनाव के ठीक पहले वहाँ पर कहा गया था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और उसी मुद्दे पर झारखंड में सरकार भी बनी थी और उस वादे को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। सर, आप लोग झारखंड में चूंकि चुनाव के पहले गए थे और वहाँ पे कहा भी गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और वो मुद्दा वहीं से एक देखा जाए तो एक बहुत व्यापक जोर पकड़ा और फिर सत्ता में आई पार्टी, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं वहाँ? देखिए, NMOPS के बैनर तले पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और अपनी वाजिब मांग मांग रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, अभी आपने नाम ही लिया। अब हम लोग अगला जो कार्यक्रम हम लोगों का है वो झारखंड का कार्यक्रम है। झारखंड में इसलिए हम लोग अभी पेंशन जय घोष महासम्मेलन करने जा रहे हैं और उसमें हम याद दिलाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को कि भाई आपने हमारी रैली थी रांची में, उसमें खुद आए थे वो और उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनी तो लागू करेंगे। बीच में कोरोना वगैरह टाइम रहा, उसमें हो सकता है कि कुछ दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। और झारखंड की एक बड़ी तैयारी हमारी, वहाँ के जो विक्रांत सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम वहाँ पर लगातार लगी है, उसकी तैयारी उस सिलसिले में लगी है और उम्मीद करता हूँ कि कुछ सुखद परिणाम वहाँ से आएंगे। सर, चूंकि चुनाव के पहले उन्होंने कहा भी था कि सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन को लेकर के उसकी बहाली का ऐलान करेंगे, क्या आपके लोगों की वहाँ के CM से कोई बातचीत हुई है इस संबंध में? नहीं, बातचीत लगातार चल रही है, हमारी टीम से बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री जी से एक दो बार वार्ता हुई है इस विषय पर, उनकी टीम से वार्ता हुई है, CM ऑफिस से वार्ता हो रही है, अभी एक दो दिन पहले ही वार्ता हुई है और वो लोग हमेशा पॉजिटिव ही है और कह भी रहे हैं नहीं, हमने वादा निभाया और वादा अगर कहा है तो आदिवासी की जुबान है, मुख्यमंत्री जी एक शब्द हैं, आदिवासी की जुबान है, वो पूरे होंगे, वो कभी झूठे नहीं हो सकते हैं, ये उनकी तरफ से है ये चीज़ें। एक और आदिवासी राज्य जो है छत्तीसगढ़, वो ऐलान कर देता है और ये इस चीज़ को थोड़ा सा समझा जाए, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकारें हैं वहाँ पर तो ऐलान किया गया और भारतीय जनता पार्टी खास करके जब पुरानी पेंशन ख़त्म की गई थी तो उन्हीं की सरकार थी, लेकिन हिमाचल से बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं अगर UP की अपेक्षा देखा जाए तो, आपको वहाँ पर क्या उम्मीदें दिख रही हैं? देखिए, हिमाचल में हानिश्चित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी JP नड्डा साहब ने एक बयान दिया, वहाँ के तमाम पदाधिकारी, उनके प्रभारी वहाँ पर हिमाचल के, उन्होंने भी बयान दिया कि हम इस पर गंभीर हैं और गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हम तो खुशी होती है भाई कम से कम गंभीरता से विचार तो होने लगा। मुझे वो दौर भी याद है कि जब से आंदोलन में चला था तो लोग इसको मुद्दा ही नहीं मानते थे, आज गंभीरता से विचार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और क्योंकि हिमाचल की जो वहाँ पर विधानसभा है, वो छोटा राज्य है और वहाँ पर जो कर्मचारियों की हमारी संख्या है, बहुत अच्छी संख्या है शिक्षकों कर्मचारियों की, लगभग राज्य के अनुपात के हिसाब से 15% है। और मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि वो राज्य ऐसा है जहाँ पर सरकार कौन बनाएगा ये कर्मचारी तय करेगा, ये बात बिल्कुल तय है और पहले से भी होता रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है। और अब की तो क्योंकि एक मुद्दे पर सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और हमारे जो वहाँ के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी हैं और उनकी टीम पूरा भरत शर्मा है, लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी हर जिले में सम्मेलन चल रहा है, तो सरकार जो वहाँ है, विपक्ष जो वहाँ है, वो देख रहा है कि कर्मचारी सारी चीज़ों को भूल करके एक मुद्दे पे एकदम कंसंट्रेट हो गया है कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वहाँ पर तो कर्मचारी अब नारा लगा रहा है कि या तो NPS वापस जाएगी या तो ये सरकार वापस जाएगी, इस मोड़ पे आ गए हैं लोग। सर, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पे हम बात करें, क्योंकि आप लोगों की लगातार UP सरकार से बात होती रही है, योगी सरकार के अधिकारी जो है लगातार इसको डिनाई कर रहे हैं, क्या आगे का रास्ता हो सकता है अभी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को भी अच्छे से पता है इस मुद्दे को और इस आंदोलन के बारे में पता है, चाहे सरकार के हों चाहे प्रशासन के लोग, सबको पता है। और मुझे बस कहते हुए दुख हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए उसके बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा, ये दुखद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी साहब हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे शानदार पत्र भी लिखा था,
हम तो उम्मीद करते हैं कि किसी समय अगर फुर्सत मिले तो उस पत्र को अगर पढ़ लेते तो मेरा संघर्ष ही खत्म हो जाता, और पढ़ने के बाद हमें लगता है कि वो उस पर विचार करते, बस वो जिस दिन पढ़ लें अच्छी बात है। अभी विधानसभा में मामला उठा भी था, लोग उसको पत्र को दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा पाए। फिर भी अभी हमारी जो तैयारी है, हमारी तैयारी पूरे देश को लेकर के, उस देश में उत्तर प्रदेश भी है, और हम पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारी हुई थी राजस्थान में 21 और 22 को, हमने बहुत सारे आगे कार्यक्रम भी दिए हैं, और आने वाले समय में हम राज्यों को, जिन राज्यों में चुनाव है या जिन राज्यों ने हमसे वादा किया था या जिन राज्यों में संभावित हैं, वहाँ पर हम आंदोलन को तेज करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आगे 23 में एक बड़ी तैयारी दिल्ली की तरफ करेंगे।